हर बुराई से पार पाते हुए अमृत काल के लिए जिन पंच प्राणों का संकल्प देश ने लिया है उन पर चलने के लिए नई ऊर्जा देगा। मेरा सौभाग्य है कि विजयादशमी पर हिमाचल प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर के हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स इसका उपहार देने का अवसर मिला है। और ये भी देखिए संयोग, विजयादशमी हो और विजय का रंग रणसिंगा फूंकने का अवसर मिले, ये भविष्य के हर विजय के आगाज लेकर के आया है। बिलासपुर को तो शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा का डबल गिफ्ट मिला है। कलुरारी बंदले धारा ऊपर हाइड्रो कॉलेज, कने थल्ले एम्स होने ऐतिरिक्त पहचान हुई। भाइयों और बहनों, यहां विकास योजनाओं को आपको सौंपने के बाद जैसा जयराम जी ने बताया, एक और सांस्कृतिक साक्षी का, विकार विरासत का साक्षी बनने जा रहा हूं। और बहुत वर्षों बाद मुझे एक बार फिर कुल्लू दशहरे का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिलेगा। सैकड़ों देवी देवताओं के साथ भगवान रघुनाथ जी की यात्रा में शामिल होकर मैं देश के लिए भी आशीर्वाद मांगूंगा। और आज जब बिलासपुर आया हूं तो पुरानी यादें ताजा होना बहुत स्वाभाविक है। वो भी एक वक्त था कि यहां पैदल टहलते थे, कभी मैं, धूमल जी, नड्डा जी पैदल यहां बाजार से निकल पड़ते थे। हम एक बहुत बड़ा रथ यात्रा का कार्यक्रम लेकर भी यहां बिलासपुर की गलियों से गुजरे थे और तब स्वर्ण जयंती रथ यात्रा यहां से होकर, और वो भी मेन मार्केट से निकली थी और वहां जनसभा हुई थी। और अनेक बार मेरा यहां आना हुआ, आप लोगों के बीच रहना हुआ है।